11th student of class 6. Today we will study about history. Chapter 1. When, where and how. What is history? Topic is, what is history? History kya hai? Itihas kya hai? History is the study of past history. History means the written record of the event of the distant past. History ka matlab ye hai, history, इतिहास हमारा एक रिटन रिकॉर्ड है जिससे जो पास्ट से रिलेटेड होता है. इन हिस्ट्री वी रीड अबाउट द रूलर्स द एक्सटेंट ऑफ देयर रूल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. इतिहास में हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रूल के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. वी ऑल्सो रीड अबाउट द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग देयर टाइम्स. हम उस समय में जो लोग रहते थे उनके इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट वर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. उस समय लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता था. व्हाट डिड दे ईट. वे क्या खाते थे. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड दे वेयर. किस तरह के कपड़े वे पहनते थे. हाउ डिड विलेज सिटी एंड किंगडम्स कम्स अप. किस तरह उन्होंने अपने सिटी विलेज या अपनी किंगडम की स्थापना की. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू फाइंड द आंसर ऑल ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन. हम इतिहास में इन सारे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है. यू मे हैव वंडर व्हाई वी शुड स्टडी अबाउट द पास्ट दैट हैज़ गोन बाय. जो पास्ट बीत चुका है हम उसके बारे में क्यों पढ़ें. Why do we not live in the present? हम present में क्यों नहीं रहते हैं, हम present की बात क्यों नहीं करते. इन सारे बातों का answer हमारे किससे जुड़ा हुआ है. Past से. The present connected to the past. Present जो हमारा है वो past से connect है. In your family too, there is a family history connecting the past to the present. You have your grandparents, then your parents and then your brother or sister and you. Thus, life is an unbroken chain of past, present and future. How can you understand the present without studying or having information about the past? हमें अपने present को समझने के लिए past को जानना बहुत ज़रूरी है. Okay, now student, I will give you some questions and you will write, what is history? History क्या है? History is a written record of the events of the distant past. Second question is, name four great personality who taught to us human values. आपको कोई four personality के बारे में बताना है जो human value के बारे में बताते हैं. वो four personality कौन कौन से हैं. Jesus Christ, Gautam Buddha, Vardhaman Mahavir and Guru Nanak Dev Ji. Okay, thank you.